नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आज सागर की मकरोनिया में भी बंद का जो है पूरा असर देखने को मिला है, जहां पर दुकान बंद करवाने के लिए कांग्रेस आगे आई है। जी हां, बंद का आह्वान का जो है समर्थन करते हुए कांग्रेस ने मकरोनिया में दुकानें बंद कराई हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मकरोनिया के कार्यकर्ताओं ने आज किसानों की बंद का आह्वान का समर्थन करते हुए मकरोनिया में सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें जो है बंद करवाई हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री का कहना है कि किसानों की मांग जो है वो जायज़ है, कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है। सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल किसानों के विरोधी है। लगातार किसान दिल्ली में 17 दिनों से ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है। ये मोदी सरकार की हठधर्मिता है। हम लोगों की मांग है कि यह किसान विरोधी कानून तत्काल मोदी सरकार वापस ले। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों को इस 15 से 17 दिन दिल्ली में गले हो गए, इस तरह कड़क रही धूप में उनकी सुध लेने के प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए किसानों ने जो आंदोलन का आह्वान किया है, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया है। मुख्य मांग जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून जो लाई है, जिन कानूनों से किसानों का भविष्य खतरे में है, व्यापारियों का भविष्य खतरे में, भारत का भविष्य खतरे में है, उस कानून को वापस लेने के लिए जो भारत वर्ष के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वही उनकी मांग है। उस मांग का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जन जन का है ये आवाज।